बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, इन सबको एक चैप्टर में क्यों एक साथ दिया गया है? तो बच्चों मैं बता दूं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और वो कारण है कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति। अब ये कार्बोनिल ग्रुप क्या है? तो कार्बोनिल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और इस तरह से इसकी ये दो से हो सकता, इधर से दो बॉन्ड ऐसा खाली रह गया, यहाँ से वो किसी के भी साथ जुड़ के बॉन्ड बना सकता है, बंध बना सकता है। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। किसको बोलते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनिल ग्रुप। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग इस कार्बोनिल ग्रुप की संरचना पर ही बात करने वाले हैं, पर इससे पहले मैं थोड़ा सा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है वो आप लोगों को थोड़ा सा है ना एक शॉर्ट आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर हम इसकी संरचना यानी ये कैसे डबल बॉन्ड बना रहा है, कैसे इसमें अतिव्यापन होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग जिस भी ग्रुप में, जिस भी कार्बन चेन में सी डबल बॉन्ड ओ की उपस्थिति होती है उसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या योगदान है, यानी ये किस तरह से इसमें पाया जाता है, उसको थोड़ा गौर कर लेते हैं। तो पहले मैं बात करती हूँ एल्डिहाइड की, है ना? अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखना, ये सी डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी ये कार्बन, यहाँ पे हो गया ये डबल बॉन्ड ओ। देखो ये मैंने तीनों में इस तरह की बॉन्डिंग बना दी बच्चों। अब हम अगर यहाँ पे इस छोर पे अगर मैं हाइड्रोजन लिख देती हूँ और यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप लिख देती हूँ, यानी R, R यानी क्या होता है? R यानी होता है एल्किल ग्रुप। अब ये एल्किल ग्रुप क्या है? तो बच्चों आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो कि जो एल्केन्स होते हैं, है ना, जैसे मीथेन होता है, मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का CnH2n+2। किसका जनरल फॉर्मूला है ये बच्चों? एल्केन का। अगर आप n=1 रखते हो तो ये मीथेन मिलता है, n के जगह आप रख दो यहाँ 1H2 × फिर यहाँ n के जगह लिख दो 1+2, ठीक हो गया। सी वन को तो लिखने की जरूरत नहीं है, H2 + 2 n 2 + 2 कितना हो गया 4CH4 आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन। ओके, एल्केन है तो n सफिक्स लगेगा, फिर ये हो गया आपका मीथेन के बाद हो गया आपका ये एथेन, है ना, एथ। कैसे? यहाँ पे n=2 आप 2 रख दो, तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख दो, यहाँ पे भी 2 रख दो, तो ये हो गया C2, 2 × 4, 4+2 कितना हो गया 6, यानी C2H6, ये हो गया एथेन। इसके बाद आता है आपका प्रोपेन, है ना, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेन रहेगा। अगर आपके यहाँ पे 4 कार्बन रहते हैं C4H10, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये तो मैं एल्केन का बता दी, तो हम तो यहाँ एल्किल को समझाने जा रहे हैं आपको। तो एल्किल क्या होता है? तो बच्चों जब हम इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया, यानी CH3 हो गया। तो अब ये मेथेन से इसका नाम चेंज हो गया, ये हो गया मेथिल, एल्किल ग्रुप बन गया है ये, क्योंकि अब एन एल्केन में आखिरी में एन आ रहा है तो एल्किल में आखिरी में इल आ रहा है, बाकी तो वही ना एल्क दोनों में, बट यहाँ पे एन था और यहाँ पे इल प्रत्यय है, तो यहाँ पे इल आ गया, मेथेन का हो गया मेथिल। एथेन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये हो गया C2H5, यानी क्या हो गया? एथिल, ठीक है। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये हो गया C3H7, यानी क्या बन गया ये आपका बच्चों? प्रोपील। और C4H10 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये हो गया C4H9, यानी हो गया ब्यूटिल। तो ये होते हैं आपके एल्किल ग्रुप। क्या होते हैं बच्चों? ये आपके एल्किल ग्रुप। तो मैं इनको अभी हटा देती हूँ, मैंने अभी आपको ये बताया, जैसे अगर आप भूल गए हैं तो थोड़ा सा एक बार मैंने आपको उसको मेमोराइज करा दिया कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ पे जब किसी कार्बोनिल यौगिक के, कार्बोनिल यौगिक यानी सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनिल यौगिक यानी सी डबल बॉन्ड ओ के एक छोर पे हाइड्रोजन और दूसरे छोर पे कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो हम इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? एल्डिहाइड, या इसको बोलते हैं RCHO।
एल्डिहाइड में बच्चों ये ध्यान रखना कि ये जो है ये कार्बोनिल ग्रुप किसी भी जो चैन होता है, जो कार्बन की जो हमारी श्रृंखला होती है, जैसे इस तरह से हमने बना दिया, तो ये आपका कभी भी किनारे में मौजूद रहेगा, है ना। यहाँ पे हो गया आपका सी डबल बॉन्ड ओ, इसकी संयोजकता होती है चार, देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आ गया एच, तो ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। कितने कार्बन है बच्चों, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, है ना, इसका भी बोल सकते हो प्रोपिलैल्डिहाइड, प्रोपिलैल्डिहाइड, या तो एल्डिहाइड आप यहाँ पे प्रत्यय लगा दो, है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे R के जगह C2H5, अगर एक मिथेन मेथिल ग्रुप लगा दीजिए, CH3CH डबल बॉन्ड O, दो कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एसीटैल्डिहाइड, क्या हो जाएगा ये एसीटैल्डिहाइड, ये बन गया आपका। 3 कार्बन है तो क्या बन गया, प्रोपिलैल्डिहाइड, है ना, प्रोपिलैल्डिहाइड या प्रोपिलैल्डिहाइड। अब और अगर यहाँ पे R की जगह अगर मैं यहाँ पे H लिख दूँ, R की जगह मैं यहाँ पे H लिख दूँ, तो क्या ये एक एल्डिहाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप में जो H होता है, इधर तो H रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे आप R या H दोनों में से कोई भी ले सकते हो, R यानी कोई भी एल्किल ग्रुप और H यानी आपका हाइड्रोजन, इन दोनों में से कोई भी ले लोगे तो ये हो गया आपका HCHO, HCHO को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है इसका नाम बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। 1 कार्बन है तो फॉर्मेल्डिहाइड, 2 कार्बन है तो एसीटैल्डिहाइड, 3 कार्बन है तो प्रोपिनैल्डिहाइड, ठीक है, 4 है तो ब्यूटैल्डिहाइड, इस तरह से रहता है। तो ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसको आप और इसमें क्या होता है आपका अल प्रत्यय लगता है, क्या प्रत्यय लगता है, अल, अगर ये तो साधारण नाम है, अगर हम इसका IUPAC नाम, ये सामान्य नाम है इसका, ये इसका सामान्य नाम है, अगर आप इसके IUPAC नाम की बात करें, अभी हम लोग नामकरण के लिए अलग वीडियो में इसको पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसके नामकरण पे ही रहेगा, तो IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, 1 कार्बन यानी मेथेन, और मैंने बताया अल प्रत्यय लगेगा, मेथेन प्लस अल यानी मेथेनल, ये क्या हो गया आपका एथेनल, क्या हो गया ये आपका एथेनल, ये इसका सामान्य नाम, ये इसका IUPAC नाम, देखो ये सामान्य नाम, ये IUPAC नाम, यहाँ पे ये इसका सामान्य नाम फॉर्मेल्डिहाइड और ये इसका IUPAC नाम। ये इतना भी नामकरण हमको नहीं करना है, अभी मैं आपको जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारा मेन जो इस वीडियो को बनाने का जो मोटो है आज के इस वीडियो का, वो आपको इसकी संरचना को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, पर इससे पहले हम थोड़ा सा एल्डिहाइड कीटोन को जान लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर का हमको इंट्रोडक्शन भी पता होना चाहिए। तो एल्डिहाइड हम समझ गए। अब अगर मैं इसके दोनों छोर पे अगर मैं एल्किल ग्रुप को जोड़ दूँ, R और यहाँ पे R डैश, एल्किल ग्रुप तो मैंने अभी R बता दिया, R डैश क्या हो गया, तो बच्चों जरूरी नहीं है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मेथिल जुड़ा हो और यहाँ पे आपका एथिल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हो और यहाँ पे क्या है एथिल ग्रुप जुड़ा हो, तो भी ये क्या हो जाएगा आपका कीटोन कहलाएगा। और ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ आपका क्या जुड़ा हो, मेथिल ग्रुप जुड़ा हो, यानी ये R और R डैश दोनों समान भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों समान है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई मेथिल कीटोन, ओके। अब हम इसका साधारण नामकरण करते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका मेथिल, यहाँ पे हो गया एथिल ग्रुप, है ना, तो हम क्या करेंगे पहले इसको सामान्य नाम में अल्फाबेटिकली लेते हैं, तो ए पहले आता है तो लिखेंगे एथिल, फिर उसके बाद एम बाद में आता है तो मेथिल, एथिल मेथिल कीटोन, या अगर आप इसका IUPAC नामकरण कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक करूँगी, ये बच्चों यहाँ से हटा रही हूँ, तो ये हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 को आप लिखेंगे CH2 CH3, देखिए C2H5 हो गया। तो इसको हम लोग अब यहाँ पे हमारे जो कार्बोनिल ग्रुप कहाँ से पास पड़ रहा है, यहाँ से, तो 1, 2, 3, 4, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग नामकरण किए थे, यहाँ पे कितने कार्बन परमाणु आ रहे हैं, ये जो मेन श्रृंखला है इसमें 4 कार्बन परमाणु है, तो इसको बोलेंगे
इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्यूटेन टू ओन, ब्यूटेन टू ओन, क्योंकि दूसरे पे आपका कीटोन ग्रुप मौजूद है, तो बोलेंगे देखो चार कार्बन परमाणु तो ब्यूटेन टू ऑन, ओके। या फिर आप इसका नाम मैंने आपको बता दिया है एथिल मेथिल कीटोन, तो ये हो गया आपका। अगर आर और आर डैश अलग अलग भी हो सकते हैं और आर आर डैश एक समान भी हो सकते हैं, तो ये हो गया आपका कीटोन। क्या हो गया? कीटोन। बच्चों इसमें ये ध्यान में रखना कि जो सी डबल बॉन्ड ओ होगा वो कार्बन की श्रृंखला के बिल्कुल बीच में होगा। बीच में मतलब पहले या आखिरी में नहीं रहेगा, बीच में कहीं पे, दूसरे चौथे तीसरे पांचवे कहीं पे भी रहेगा, लेकिन शुरू में और सबसे अंत में नहीं रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं तीसरा, अगर इसके एक छोर पे OH ग्रुप को जोड़ दिया जाए और यहाँ पे एल्किल ग्रुप को जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बनता है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बनता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हम लोग कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बच्चों जैसा मैंने बताया कि अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, तो पहले इस टॉपिक को आज ले लेते हैं हम लोग। तो कार्बोनिल ग्रुप में, अभी बच्चों मैंने आपको ये इसलिए बताया है ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर है कि पहले ये चीज़ है क्या, तब हम इसकी संरचना को जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है आपका, इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ से इसकी दो संयोजकता यानी दो जगह से ये बॉन्ड बना सकता है। अब ये बॉन्डिंग कैसे होगी वो हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध बन रहा है, तो ये कैसे होता है? तो बच्चों यहाँ पे जो कार्बन होता है ना, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, 6 कार्बन होता है परमाणु क्रमांक, यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6C। अब यहाँ पे बच्चों इसके s कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 और यहाँ 2p2। अब ये 1s2 2s2 2p2 क्या है? तो ये इनके ऊर्जा लेवल है ना, जो हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों ओर इस तरह से घूमते रहते हैं, है ना, किसी निश्चित कक्ष में। तो सबसे पहले हमारा आता है 1s कक्षक, फिर उसके बाद में आता है 2s कक्षक, है ना, 1s 2s ये एनर्जी लेवल होता है, 1s देन 2s, है ना, ये होता है 2p, ये होता है 3s 3p 3d, ये SPD ब्लॉक में क्या होता है, SPD कक्षक में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे ये 1s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे, एक को क्लॉकवाइज दिखाया मैंने, एक को एंटी क्लॉकवाइज दिखाया। ये 2s में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब जो p कक्षक होते हैं, p कक्ष में तीन उपकक्ष होते हैं। देखो जैसे p का एक घर हो गया, ये s का घर हो गया, 1s मान लो ये कुछ लोग हैं, है ना, 1s एक बच्चा है, इसके घर में मैक्सिमम दो लोग रह सकते हैं। 2s के घर में एक कमरा है, दो लोग रह सकते हैं। p के घर में तीन कमरे हैं और हर कमरे में दो दो लोग रह सकते हैं मैक्सिमम, एक दो तीन। देखो ये ऐसे फील होता है, पहले इस तरह से जाएगा, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर यहाँ पे अगर जगह बची तो यहाँ जाएगा और फिर यहाँ जाएगा। तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो एस कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन, ये भी एस कक्षक है तो दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हो गया, मैंने इस तरह से इसकी संरचना को लिखा, 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ पे 2p2 दो चार 6, ये तो हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, दो चार और ये 6, ये यहाँ पे तीन कक्ष है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखूंगी मैं px कक्ष, ये py कक्ष और ये होता है pz कक्ष। एस जो कक्षक होता है उसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, इस तरह से होता है। एस कक्षक का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। जो पी कक्षक होता है उसका आकार डंबल के आकार का होता है, इस तरह से। किस तरह का आकार होता है? डंबल, डंबल यानी जो डमरू होता है ना। तो ये मान लो ये px है, तीन अक्ष होते हैं, कभी भी आप लोग गणित में पढ़ते हैं x अक्ष y अक्ष और तीसरा एक अक्ष z अक्ष भी बच्चों आप पढ़ते हैं। तो ये हो गया, मान लो ये x अक्ष हो गया, अब ये हो जाएगा आपका y अक्ष, तो इसको लिख लोगे आप py और ये थोड़ा सा ऐसा स्लैंटिंग है, ऐसा तिरछा हो गया, यानी ये हो गया z कक्ष। यानी अगर आप ये तीनों जो p कक्ष होते हैं वो डंबल के आकार में किसी भी समतल में कुछ इस तरह से मौजूद होते हैं। देखो ये x अक्ष हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया,
इस तरह से होता है, ये क्या होता है, आपस में घूमते रहते हैं, हो सकता है ये एक्स हो जाए, ये वाई हो, ये जेड है ना, ऐसा ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है कभी भी स्थायी नहीं होते, वो घूमते रहते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो एस कक्षक है वो गोलाकार होगा, पी कक्षक होगा वो कैसा होगा, डंबल के आकार का होगा, बस इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये 2p2। इसको मैंने कैसे बताया लिखने के लिए, 1s2, 2s2, 2p2 को लिखूंगी मैं 2px1, 2py1। यानी यहाँ पे अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसको कैसे घर में भेजोगे, है ना। तो आप क्या करोगे, आपके पास s, s की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 1s, 2s, 2p। इस तरह से पहले आप खाली कक्ष बना लीजिए, अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। तो s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये 1 और ये 2। जब इसमें भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन अगले कक्ष में प्रवेश करता है, फिर ये s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी इसी तरह रहता है, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अंदर में, इसलिए एक एरो थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर शो कर रही हूँ तो एक नीचे की ओर रहेगा, है ना, हाफ एरो है ये। अब p कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो मैंने p में बताया कि आपका एक x होता है px, दूसरा y होता है और तीसरा होता है z कक्षक। तो इस तरह से जाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन x कक्षक में चला गया, एक y कक्षक में चला गया। अब क्या होता है कि ये जो s कक्षक का जो ये इलेक्ट्रॉन है ये, और यहाँ पे जो z कक्षक है, z कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। तो यहाँ मैं लिख दूंगी 2pz0, जेड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया 0। अब ये जो एस कक्षक का इलेक्ट्रॉन है, अगर ये थोड़ी सी ऊर्जा है ना, इसको अगर कहीं से ऊर्जा मिल जाती है, जैसे उसे गर्म किया गया या बाहर से कोई ऊर्जा प्राप्त हुई, तो ये उत्तेजित होकर किधर चला जाएगा, ये जेड कक्षक की ओर चला जाता है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा बच्चों, केवल एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो इसे लिखेंगे 1s2, 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इस जेड कक्षक में चला गया, तो ये हो जाएगा 2s1, ये हो गया 2px1, है ना, या यहाँ पे नीचे लिख दो 2py1 एंड 2pz1। मैंने यहाँ नीचे लिखा है, इसको ऊपर लिख देती हूँ, चलो। तो आप लोगों को लगेगा ये x1 y1 लिखा है मैंने, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को बता रहा है। तो अब देखो ये उत्तेजित होकर ये आपका कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे जो अतिव्यापन में जो कक्ष भाग लेंगे वो कौन से कक्ष भाग लेते हैं, वो लेते हैं ये एक एक्स और ये 2p ब्लॉक अतिव्यापन में भाग लेते हैं, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं sp2 संकरण। ये किस में होता है, इस तरह का संकरण होता है कार्बन में। किस में होता है इस तरह का संकरण, कार्बन में sp2 संकरण होता है। तो ये जो s और ये जो 2p कक्षक होते हैं, ये आपस में कितने डिग्री के एंगल बना के रहते हैं, आपस में 120 डिग्री के एंगल पे रहेंगे। कैसे रहेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, बना के बताती हूँ। ये हो गया आपका कार्बन, ठीक है। यहाँ पे जो 3p कक्षक है ना, ये 3p कक्षक है आपका, डबल डंबल का इस तरह से रहेगा। तो ये जो है sp2 संकरण होगा, तो कैसे रहेगा ये, ठीक है, एक इस तरह से हो गया, एक इस तरह से हो गया और ये इस तरह से हो गया। तो ये इन तीनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 120 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ तक आया, ये कार्बन का आपका परमाणु था, इसको मैं रेड से शो कर देती हूँ, कार्बन है। यहाँ पे ये sp2 संकर कक्षक है, कैसा कक्षक है, sp2 संकर कक्षक है। ये कितने डिग्री के एंगल में बनाते हैं, 120 डिग्री के एंगल आपस में बनाएंगे। यहाँ पे भी 120 डिग्री, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 120 डिग्री रहेगा, और ये एक ही तल में उपस्थित होते हैं, ये एक ही तल में उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया कार्बन की बात, ठीक है। अब ये जो इसका ये जो जेड कक्षक है ना, जेड कक्षक है वो किस तरह रहेगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो कुछ इस तरह से रहेगा आपका। यहाँ से ये मैंने बताया डंबल आकार का आ गया ये जेड कक्षक, है ना। यहाँ तक ये हमको समझ में आ गया है कुछ कुछ, ये कार्बन हो गया बीच में, ये हो गया आपका जेड कक्षक। यहाँ मैं लिख देती हूँ 2pz1, ठीक है। और यहाँ पे ये 2s1, 2px1, 2py1, ये आपस में इन्होंने क्या किया, sp2 संकर कक्ष बना लिया। अब जो बारी आती है ऑक्सीजन की, बारी आती है, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, यहाँ मैं ऑक्सीजन का लिख रही हूँ,
ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1s में 2 चला जाएगा, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2p, तो 2, 2, 4, 4, और अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे? 8 में से तो 4 भर गए, बच गए 4, यानी पी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2। अब देखो बच्चों कैसे इलेक्ट्रॉन भरता है, मैंने बताया था आपको इस तरह से भरता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे भी है ना, ये 1s2, ये 2s2, ये 2p6 होता है ना। तो आपका यहाँ पे कितना जाएगा? पहले तो 4 भरेंगे, 1, 2, 3। देखो पहले बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉकवाइज फॉर्म में तीनों कक्ष में जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि पहले यहाँ पे भर गए फिर यहाँ पे, ऐसा भरना है हमको इस तरह से 4 दिन, तो 4 तो यही हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। पहले हमें इनको अर्ध पूरित करना है, यानी हाफ फिल्ड करना है, क्योंकि हाफ फिल्ड जो शेल्स होते हैं और जो कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा स्थाई होते हैं। अर्ध पूरित कक्ष या पूर्ण पूरित कक्ष ज़्यादा स्थाई होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे 3 ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, पर पी के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे चला गया। यानी आप इसे कैसे लिखोगे? ये हो गया 2px, x के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, y के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, और z के पास आपका कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब क्या होगा बच्चों? फिर से वही होगा, ये जो 2s कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है ये उत्तेजित होकर आगे बढ़ता है ना। यह इसको मैं ऐसे लिख रही थी, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। तो ये उत्तेजित होकर कहाँ जाएगा? अगला कक्ष किस में जाएगा? अगर ये उत्तेजित होगा तो ये इधर चला जाएगा, यानी आपके y में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसको मैं कुछ इस तरह लिखूंगी, 1s2, 2s2, 2px2, ये 2 है, 1 जैसा दिख रहा है, 2py2, और ये हो गया 2pz1। इस तरह से हो गया। तो अब यहाँ पे जो आपका जो संकरण में जो भाग लेते हैं, इसमें एस पी संकर कक्ष होता है। ऑक्सीजन के पास कैसा होता है? ये एस और ये जो पी होता है ये कक्ष संकरण में भाग लेते हैं, है ना। एस और पी आपका ये संकरण में भाग लेते हैं, तो इसको बोलते हैं एस पी संकर कक्षक। एस पी संकर कक्षक ये क्या होते हैं? ये बिल्कुल एक ही तल में रहेंगे, एक सीधी रेखा में रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? एसपी संकर कक्षक एक सीधी रेखा में, और कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 180 अंश का कोण बनाते हुए रहते हैं, 180 अंश का कोण बनाते हुए मौजूद रहेंगे। तो ये मैं यहाँ पे ऑक्सीजन बना दे रही हूँ, ठीक है। इसका ये जो हो गया हमारा ऑक्सीजन, ये अब यहाँ पे कैसे अतिव्यापन करेगा ये देखना बच्चों। ये जो ऑक्सीजन का ये जो है ना, यहाँ से, और ये जो कार्बन का है, ये बिल्कुल साइड, मतलब सामने सामने से समक्ष जब अतिव्यापन करते हैं तो यहाँ पे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। कैसे? देखो ये जो एस कक्ष का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया था, फिर से समझिएगा, एस एस कक्ष क्या होता है? गोलाकार होता है बच्चों, मैंने बताया था। तो जब ये गोला वाला कक्षक, ये एस, और इधर का ये जो एस कक्षक है, जब आपस में मिलेंगे, आपस में आके मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे, तो ये दोनों क्या करेंगे? इस तरह से अतिव्यापन कर लेंगे, ठीक है। और दोनों का एक और एक इलेक्ट्रॉन मिलके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से हो गया, यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हो इस तरह से। तो ये बनता है आपका सिग्मा बंध। देखो अतिव्यापन दो प्रकार से होता है बच्चों, अतिव्यापन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो के मैं आपको तीनों बता देती। एक तो होता है एसएस, एसएस अतिव्यापन, यानी इस तरह से दोनों गोला गोला मिल गए, यहाँ पे बनता है आपका सिग्मा बंध, है ना। क्योंकि अतिव्यापन दो होता है, एक होता है समक्ष अतिव्यापन और दूसरा होता है पार्श्व या समानांतर अतिव्यापन, पार्श्व या समांतर अतिव्यापन। तो जब समक्ष यानी आमने सामने आके मिलते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं समक्ष अतिव्यापन या SS। जब ये S और ये जो P मिलता है, जैसे ये S कक्षक हो गया और ये इसका P कक्षक हो गया, इस तरह की जब बॉन्डिंग होती है तो कौन सा अतिव्यापन होगा? तो भी ये सामने सामने है ना, हेडफोन इस तरह से आके मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब यहाँ पे ये पी है और ये पी है, इस तरह से पार्श्व अतिव्यापन करते हैं, है ना, पार्श्व यानी बिल्कुल समानांतर इस तरह से अतिव्यापन करेंगे, तो यहाँ पे बनता है पाई बंध। तो अभी मैं यहाँ बता रही हूँ कि कैसे बंध बनेगा। अब ये जो ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन का ये जो एस है और ये जो हमारा कार्बन का ये जो एस है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में आके मिल गए,
मिल गए तो यहाँ पे कौन सा बंध बनेगा बच्चों, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड यानी सिग्मा बंध बन गया। कहाँ बन रहा है बच्चों, ये देखो ये मैं रेड से बना के बता रही हूँ, ये जो एस है ना, और ये जो है दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया था। अब ये जब आपस में आके मिलेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको भी कंप्लीट होने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी दो चाहिए, दोनों आपस में आके मिल जाएंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे। चूँकि ये आमने सामने आके मिल रहे हैं, आमने सामने आके मिल रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा सिग्मा बंध। जब आमने सामने मिलते हैं तो सिग्मा बंध बनता है, और जब इस तरह से मिलते हैं ना लंबाई में ऐसा इस तरह से, तो बनता है वहाँ पे पार्श्वद्विपन। और जो पार्श्वद्विपन होता है वो जनरली पी कक्षक में होता है। अभी और समझोगे आप, तो यहाँ बन गया आपका सिग्मा बंध। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये एस पी, अब यहाँ पे ये जो है हमारा, ये जो पी टू पी एक्स टू और टू पी वाई टू, ये दोनों शेल तो पूरा कम्प्लीटली है, इनका कमरा भरा है, इनके में नो एंट्री है, हाउस फुल है, यहाँ पे अब और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो ये आप इस तरह से इसको लिखेंगे, देखिए इस तरह से इसके पास क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है। क्या है आपका इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से दिखा दिया, नहीं फील्ड है। और ये जो है जेड, जेड के पास आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो इस तरह से मान लो, ये मैंने इससे बना दिया, ये जेड, जेड मैंने बताया कि जो पी एक्स पी वाई पी जेड इनकी आकृति क्या होती है, डंबल आकार की होती है। तो ये मैंने जेड इसका बना दिया, देखो ये इसका टू पी जेड वन हो गया, हो गया। अब देखो ये इसका टू पी जेड वन, इसका टू पी जेड वन, इसके पास भी देखो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है आपको, ये देखो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों आपस में किस तरह की बॉन्डिंग करेगी, बिल्कुल ऐसे लंबाई में यानी समानांतर, समांतर है दूसरों, एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर अतिव्यापन कर रहे हैं, पार्श्व अतिव्यापन, पार्श्व यानी साइड बाय साइड, एक दूसरे के साइड से अतिव्यापन कर रहे हैं, ऐसे आके नहीं मिल रहे, बिल्कुल ऐसे आके मिल रहे। तो इसको बोलते हैं हम लोग पाई बंध या पाई बॉन्ड। देखो ये दोनों मिलके आपस में क्या बना रहे, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरह का जो अतिव्यापन होता है वो हमारा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होता है। अब जो मैंने क्या बताया था, ये देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल ग्रुप में, ऐसे ही बताया था ना मैंने, तो देखो दो बॉन्ड ये हो गया, एक सिग्मा हो गया, तो एक बॉन्ड क्या हो गया, पाई हो गया, है ना। और यहाँ पे ये जो है हमारा, मान लो मैंने आपको बताया था कि यहाँ दोनों तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, या मेथिल एथिल जो भी ग्रुप आपको लगाना है, अगर मैं यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन लगा दूँ, तो देखो यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दूँ, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s1, क्योंकि इसके पास बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके s कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्या करेगा यहाँ पे, ये देखो ये तो s कक्षक तो यहाँ पे मिल गया, अब इसका ये p है ना, ये पी एक्स है और ये पी वाई है, सबके पास एक एक ही है ना, एक एक ही है ना, भरा हुआ नहीं है, भरा हुआ रहता तो मैं ऐसा दिखा देती, भरा हुआ नहीं है तो ये क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके, मैं यहाँ पे से दिखा दे रही हूँ, ये हाइड्रोजन मिल गया, तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग बनी बच्चों, यहाँ पे बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड, है ना, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक इसी तरह ये जो पी वाई था आपका, पी वाई जो था, यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन से ये ऐसा कर लेगा, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, सिग्मा बंध बन जाएगा। तो जब इस तरह की बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल ऐसा समक्ष अतिव्यापन, सामने से अतिव्यापन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड, और जब ऐसा लेटरल अतिव्यापन यानी पार्श्व अतिव्यापन होता है, समांतर अतिव्यापन होता है, तो वहाँ पे बनता है पाई बंध। तो इस तरह से मैंने आपको कार्बोनिल ग्रुप की संरचना को समझाया। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। अब ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता होता है कि ये बहुत नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को फट से अपनी ओर खींच लेता है, बहुत चालू, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो ये बोलता है चल भाई रख ले, और ये क्यों, ये अभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर चूंकि खींच रहा है, तो इस पर कौन सा आवेश होता है, ऑक्सीजन पे ऋण आवेश रहेगा, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन हालांकि दोनों एक दूसरे के बीच में कौन सा बंध बना रहे हैं, ये लोग तो बना रहे हैं सहसंयोजक बंध बना रहे हैं,
पर फिर भी ऑक्सीजन की प्रवृत्ति क्या होती है, वो जल्दी किसी के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो ये कार्बन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपनी तरफ लेने की कोशिश करता है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है और कार्बन पे इसके कारण प्लस आवेश आता है। और कार्बन पे प्लस आवेश आने का कारण क्या है, मैंने बच्चों आपको बताया कि अगर मान लो यहाँ पे मेथिल ग्रुप, अब अगर आप ये मेथिल ग्रुप को यहाँ जोड़ते हो तो इसकी भी जो प्रवृत्ति होती है, ये तो बेचारा पहले ही जो मिथेन था ये एक हाइड्रोजन दान करके आए तभी मेथिल बना है, यानी ये पहले ही पॉजिटिव, पहले ही दाता है, इसके साथ मिल गया तो बोला छोड़ भाई ले जाने दे उसको, उसी को निगेटिव रहने दे, तो ये दोनों साथ साथ आ गए, अच्छे अच्छे लोग मिल गए और प्लस हो गए, ये हो गया माइनस, तो ये ध्रुवीय हो गया है ना, बहुत ज़्यादा इसमें ध्रुवीय होता है ये, इधर की तुलना में इसमें जो ध्रुवीयता होती है, जो ध्रुवीकरण होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा और इस पर आ जाता है माइनस आवेश आ जाता है। तो अब ये तो वो मैंने आपको उसका बता दिया कि इसमें कैसे ये विद्युत ऋणात्मकता इसकी ज़्यादा होती है कम होती है। आज हम लोग इसके जो शेप्स है इसके बारे में हम लोग चर्चा किए, एक बार और मैं आप लोगों को मेमोराइज करा देती हूँ। कार्बन कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, क्यों होता है वो मैंने आपको समझाया। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2। ये sp क्या होते हैं, ये ऊर्जा कक्ष होते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन फिर 1s कक्ष में भरता है, फिर 2s फिर 2p। देखो इसका क्रम ऐसा 1s 2s 2p 3s 3p 3d इस तरह से जाता है। तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 2s में जाता है, 2s में भरने के बाद 2p में जाता है, अगर 2p से भी ज़्यादा होता है तो 3s में जाता है। अभी हमको इतना डीप में नहीं जाना है, हमको यहीं तक के रहना है, अभी तो यही समझ ले पहले हम लोग। तो 1s 2s 2p, तो यहाँ पे देखो आपके 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो कैसे कैसे जाएंगे, s की मैक्सिमम कैपेसिटी है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की, तो 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक में चले गए, फिर 2s में भी 2 गए, और p के पास कितने बचे थे, देखो पहले इसमें कितने गए थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन गए, और p के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 सब सेल्स है, 3 उपकक्ष है, इस कक्ष के भी 3 कमरे ने 3 उपकक्ष हो गए, तो इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन थे आपके, पहले ही ऐसे जाता है। अब ये क्या हो गया, उत्तेजित होके कहाँ चला जाएगा, जेड कक्ष में, क्या होके उत्तेजित होके, अगर इसको बाहर से कुछ ऊर्जा उष्मा दी जाती तो उत्तेजित होके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ तक समझ आया बच्चों। ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है तो पहले ऑक्सीजन की भी संरचना पे नजर डाल देते हैं, इसके पास थे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो और यहाँ पे चले गए 4, देखो 2 2 4 4 और 4 8, मैंने बताया एक्स कक्ष में आप क्या आ गए, देखो यहाँ पे किस तरह से गया था, पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे है ना, ये देखो इस तरह से ये गया था, 1 2 3 4 यहाँ 5 6 7 और ये 2p4 है ना, ये 4, तो ये उत्तेजित होकर कहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब यहाँ और यहाँ पे क्या हो गए, 1 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये लोग क्या करेंगे आपस में, जब ये लोग SS कक्षक मिलेंगे, आपस में मिलते हैं बिल्कुल समक्ष सामने से अतिव्यापन करते हैं, तो यहाँ बनता है सिग्मा बॉन्ड और इन दोनों के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। फिर ये जो एक्स और ये जो वाई है, एक्स और वाई ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना लिए, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक दे दिया, 2 बन गए और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया है ना, जब सामने से अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था और इस वाई कक्षक में भी 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों मिलके फिर सिग्मा बॉन्ड बना दिए, सामने से किया है ना, हम तो यहाँ सिग्मा और पाई में अंतर समझ रहे हैं। अब पाई बना तो बना कहाँ, तो पाई बना हमारा यहाँ पे, ये PX PY इनका तो अतिव्यापन हो गया, ये S इसके साथ मिल गया, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ का जो X कक्षक है वो भरा हुआ है, वाई कक्षक भी भरा हुआ है, तो उसको मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट से शो कर दिया। ये जो जेड कक्षक था इसके पास बस 1 इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे भी इस जेड कक्षक के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या करते हैं आपस में आके पार्श्व अतिव्यापन कर लेते हैं और इस तरह से यहाँ पे हमारा ये अतिव्यापन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कुछ कुछ समझ आ गया होगा, है ना, ये हो गया आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है ना, ये हो गया सिग्मा, ये हो गया पाई, अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हो तो ये सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पे भी क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जो कार्बन और ऑक्सीजन जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी संरचना, उसके अतिव्यापन, किस तरह से इसमें संकरण होता है वो समझा,
कार्बन में होगा sp2 संकरण, sp2 संकर कक्षक हमेशा आपस में 120 अंश के कोण पे एक ही तल में विद्यमान रहते हैं। ऑक्सीजन में कौन सा संकरण होता है, sp संकरण होता है, sp संकरण यानी s और p कक्ष के मध्य संकरण होगा, तो ये 180 अंश का कोण बनाएंगे और ये हो गई इनकी संरचना। तो अब हम अपने आगे की वीडियो में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, इनके नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह जो इस चैप्टर की जो सीरीज आने वाली है उसको कंटिन्यू देखते रहिए और उसे नोट करते जाइए। ओके, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़।